हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। इसके अंतर्गत अपने पहला जो प्रभाव सिक्कों पर पड़ा, मुख्य प्रभाव, वह कंप्लीट कर चुके थे, मुद्रा या सिक्के। आज इसी के अंतर्गत अपने दूसरा टॉपिक शुरू करना है, कला और मूर्तिकला। देखो बच्चों, कला और मूर्तिकला की बात की जाए तो इसके अंतर्गत भी यूनानियों का विशेष योगदान रहा, और इसी के अंतर्गत एक मुख्य कला भी उभर कर आती है जिसे अपने गांधार कला और गांधार शैली कहते हैं। मूर्तिकला के अंतर्गत गांधार शैली और कला की बात करें तो गांधार कला मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है। अगर अपने बात करें कला की तो इस पर इस क्षेत्र में भी, यानी कि कला के क्षेत्र में भी यूनानी जो प्रभाव है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कला के क्षेत्र में भी यूनानियों का विशेष प्रभाव रहा था। किसके अंतर्गत? तो भारत के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं, अभी यूनानियों ने उत्तर पश्चिम भारत को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया था। देखो बच्चों, कौन सी कला की बात हो रही है? हेलेनिस्टिक कला। कौन से क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। जो उत्तर पश्चिम का भारत था उस क्षेत्र के लोगों को कौन सी कला से परिचित करवाया यूनानी लोगों ने? तो हेलेनिस्टिक कला से परिचित करवाया था। अब उत्तर पश्चिम का भाग कौन सा हो गया? तो ऊपर उत्तर, इधर नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, चार दिशाएं होगी। तो ये बात कौन सी दिशा कर रहा है? उत्तर और पश्चिम की। कौन सी दिशा की? उत्तर और पश्चिम की। यहाँ का जो क्षेत्र था गांधार क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? गांधार क्षेत्र, गांधार क्षेत्र। और कला की अगर बात करें तो यूनानियों के साथ कौन सी कला है? तो हेलेनिस्टिक कला। कौन सी कला? हेलेनिस्टिक कला। यही जो हेलेनिस्टिक कला थी इसका विकास कहाँ हुआ? गांधार क्षेत्र में हुआ, इसीलिए इस कला का नाम क्या पड़ गया? गांधार कला भी पड़ गया था। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, भी हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया जिसने बाद में गांधार कला का रूप ले लिया था। यानी कि जो हेलेनिस्टिक कला यूनानियों के साथ भारत में आई और भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई थी, यानी कि यहाँ की कला के साथ ही घुल मिल गई थी। और इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ या कौन से क्षेत्र में आई? ये तो गांधार क्षेत्र में आई और यहीं पर इसका विकास हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गांधार कला इसका नाम पड़ गया। यानी कि हेलेनिस्टिक कला ने ही बाद में किसका रूप ले लिया? गांधार कला का रूप ले लिया था। भारतीय और यूनानी मिश्रण से उत्तर पश्चिम में कला की प्रसिद्ध गांधार शैली का विकास हुआ। देखो इसी गांधार कला से कौन सी शैली का विकास हुआ? गांधार शैली का विकास हुआ था। भारतीय यूनानी शासन में खगोल शास्त्र, साहित्य, भवन निर्माण और धर्म के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी थी। यानी कि भारतीय यूनानी अपने से कह सकते हैं इंडो ग्रीक। क्या कह सकते हैं? इंडो ग्रीक। इनके शासन से क्या हुआ? भारत के अंतर्गत जो खगोल शास्त्र है, साहित्य है, भवन निर्माण है और धर्म जो है, प्रत्येक क्षेत्र में इस जो राज्य है कौन सा? भारतीय यूनानी राज्य ने अपनी छाप छोड़ी थी। और इसमें अपने पहले ही पढ़ चुके हैं भी इनका विशेष सबसे प्रमुख राजा कौन सा था? तो मेनांडर था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी उसकी जो संपूर्ण जानकारी है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह मलिंद पन्हों से प्राप्त होती है, या मेनांडर का दूसरा नाम भी है मलिंद, उसी के नाम पर पुस्तक का नाम क्या पड़ गया? मलिंद पन्हों। और अगर हमें इस गांधार कला के बारे में पूछा जाए तो इसका विशेष प्रभाव किस पर दिखाई देता है? तो भगवान बुद्ध की मूर्ति पर। किस पर? बुद्ध की मूर्तियों पर, बुद्ध की मूर्तियों पर। अब क्या हुआ, जैसे अपोलो है, यूनानी जो देवता था अपोलो, उसी का रूप किसको दिया जाने लग गया? बुद्ध की मूर्तियों में उसी का रूप दिया जाने लग गया, इसीलिए बुद्ध की मूर्तियों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे इसकी विशेषताएं अगर अपने बात करें तो घुंघराले बाल, घुंघराले बाल, बड़े ओष्ठ, बड़े या भारी कह सकते हैं अपने, भारी ओष्ठ, खींची हुई आँखें, खींची हुई आँखें,
आदि जो है वो गांधार कला की क्या है, विशेषताएं हैं। और गांधार कला का सर्वाधिक प्रभाव किस पर देखने को मिलता है, तो बुद्ध की मूर्तियों पर गांधार कला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों आज अपने टॉपिक कौन सा किया, तो आज अपने टॉपिक हुआ है कला और मूर्ति कला। वही कब की, जब भारत पर हिंद यूनानी आक्रमण हुआ, यानी कि हिंद यूनानी राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद कला और मूर्तिकला में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में आज हमने अपने टॉपिक किया है। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।